कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर मनुष्यों को चेताने में कबीर साहब का कोई सानी नहीं है, यानी मनुष्य बिल्कुल भी ना भटक पाए, कहीं पर भी ना अटक पाए, इसके लिए कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, चेता रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सजग कर रहे हैं, हर बारीकी के साथ कि इंसान का इतना भला हो जाए, इतना हित सद जाए भक्त का कि उसकी भक्ति व्यर्थ न जाए, इसके लिए कबीर साहब बारंबार चेताते रहते हैं। चेतावनी के दोहे हैं उनके ये कि चेत जा मनुष्य, चेत जा माने सावधान हो जा, संभल जा, संभल जा, संभल जा। कितनी कितनी बार कबीर साहब संभालने के लिए क्या क्या नहीं समझा रहे, आज भी वही बात है। आज कबीर साहब जो समझा रहे हैं वह समझ की अंतिम बात है। अगर यह बात समझ में आ गई कबीर साहब की तो समझ लीजिए बेड़ा पार है, अन्यथा डूबे ही डूबे, डूबे ही डूबे। अब क्या है वह बात, आप सुनेंगे तो आप कहेंगे अरे ये बात तो हम जब से पैदा हुए लाखों बार सुन चुके हैं, तो एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार और सही, पर आज एक नए ढंग से सुनी जाएगी। सुनते हैं पहले। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया नहेत। अब पछताए चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। चेताते हुए कबीर साहब क्या कह रहे हैं, आछे दिन पाछे गए हरि से किया ना हेत, कि तेरे जो अच्छे दिन थे ना वो तो अब पीछे चले गए हैं, बहुत पीछे चले गए हैं, और उन दिनों में तूने हरि से किया न हेत, भगवान से तो तूने नेह लगाया ही नहीं, प्रेम लगाया ही नहीं, प्रेम तो तू कहीं और करता रहा, जो अच्छा समय था तेरा प्रेम करने का परमात्मा से वह तू चूक गया, और अब पछता रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो ये कितनी बार सुना होगा कि चिड़िया चुग गई खेत। तो आज बात होगी कि कौन है वह चिड़िया जो खेत चुग जाती है, और किसका है वह खेत जिसे चिड़िया चुग जाती है। तो सबसे पहले जो कबीर साहब कह रहे हैं आछे दिन पाछे गए हरि ते किया न हेत, पहले इस पर बात करते हैं, और ऐसे सीधी सीधी बात करूंगा तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बात तब समझ में आती है जब कोई उदाहरण दिया जाता है, तो मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। मेरे एक मित्र, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था उनका, मुझसे मिलने आते थे, यदा कदा बैठते थे, अब मेरे पास आएंगे तो व्यापार की तो बात होगी नहीं, प्यार की बात होगी। अब व्यापारी के साथ प्यार की बात करो तो उसे कुछ शांति तो मिलती है, क्योंकि व्यापार तो सारे दिन उलझनों में घिराता है, बुद्धि को भरमाता है। तो व्यापार को प्यार का संग मिला, बैठे, अच्छा लगने लगा, थोड़ा और आने लगे, और रस जगने लगा, तो बात उनकी कुछ कुछ बनने लगी, कुछ कुछ। फिर एक दिन आकर मुझसे बोले कि मैंने एक नई फैक्ट्री शुरू कर दी है, और इसके साथ साथ मैंने एक जगह एक कॉलोनी भी काट रहा हूँ मैं, और उस कॉलोनी में प्लॉट्स होंगे, प्लॉट बिकेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अभी जो आपका व्यापार चल रहा था उसमें कुछ कमी थी क्या? वे बोले नहीं, कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा जब बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके साथ ये और झमेला खड़ा करने की क्या आवश्यकता? तो मुझसे कहने लगे आपको ये झमेला लग रहा है,
अरे मैं एक नई फैक्ट्री और डालूँगा और पैसा बनेगा, और जो मैंने ये कॉलोनी काटने का विचार सोचा है इसकी ज़मीनें बिकेंगी और पैसा आएगा और पैसा आएगा। तो मैंने कहा लेकिन इन सब के साथ समस्याएं भी तो आएंगी, आपको पैसा दिखाई दे रहा है, नई फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री के साथ जुड़ी समस्या, और सबसे बड़ी समस्या उस पर आपको समय देना पड़ेगा, पैसों की बात छोड़ दीजिए, सारी बात छोड़ दीजिए, फिर जो आप ये कॉलोनी काट रहे हैं उस जगह भी आपको समय देना पड़ेगा कि आपके सारे प्लॉट जल्दी से जल्दी बिकें, ऊंची कीमत पर बिकें, तो सारा समय तो आपका यही चीज़ें खा जाएंगी, और अभी आपके पास किस चीज़ की कमी है बताइए। और बहुत अच्छा काम चल रहा था, राजाओं की तरह रह रहे थे, लेकिन नहीं माने। अब जब नहीं माने कूद गए उसमें, तो कूदने के बाद वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी और जिसके लिए मैंने उन्हें सचेत भी किया था। फैक्ट्री में नुकसान हुआ, बेहद नुकसान। जो कॉलोनी काट रहे थे वो विवादों में फंस गए, वहाँ भी नुकसान। और इन दोनों कामों को शुरू करने के लिए उन्होंने ब्याज पर पैसा उठाया था, अब कहाँ से चुकाएं? घर बेचना पड़ा, जो पहली वाली फैक्ट्री चल रही थी वह बेचनी पड़ी, और जो कल तक महलों में रहते थे सड़क पर आ गए। और उसका प्रभाव क्या हुआ कि दो झटके लगे, एक दिमाग पर और एक दिल पर, और उन दोनों झटकों ने उनको बिस्तर पकड़ा दिया। अब बिस्तर पर बैठे बैठे पथराई आँखों से चारों तरफ देखते रहते हैं, मैं मिल नहीं गया। तो भगवान को ही वो कोसने लगे कि ये भगवान है आपका, कैसा भगवान, इस भगवान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ छीन लिया। मैंने उनसे कहा कि ठहरो जरा, ठहरो, इतनी जल्दी क्या है भगवान को कोसने के, पहले बात तो सुन लो। जब तुम फैक्ट्री शुरू करने गए थे उससे पहले भगवान ने मेरे माध्यम से तुम्हें मना करवाया, और भगवान ने तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य दिया, कितना बड़ा सौभाग्य कि तुम मेरे पास आते थे और मेरे पास बैठकर एक दो घंटा सत्संग करते थे, मैं अपने हाथ से बना भोजन तुम्हें कराता था। तुमने कोई अनंत पुण्य किए होंगे पूर्व जन्मों में, जो तुम्हें कितना बड़ा सौभाग्य परमात्मा ने दिया, लेकिन तुमने उस सौभाग्य को मारी लात, आछे दिन पाछे गए। कबीर साहब का आ गया ना पहली पंक्ति का अर्थ, आछे दिन पाछे गए। वो तेरे अच्छे दिन थे, और उन तेरे अच्छे दिनों में तू बहुत अच्छा कमा भी रहा था, खूब खा रहा था, बड़ी बड़ी लंबी बढ़िया महंगी आलीशान गाड़ियाँ थी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, महल जैसा घर था, हवेली थी, कोठी थी, सब ऐशो आराम थे, ठाट थे, हरी से किया ना हेत, लेकिन तूने भगवान से नेह नहीं लगाया। अच्छा भला आता था मेरे पास, पूरा समय था, एक फैक्ट्री थी, एक कारखाना तेरा, उसमें काम करके निपटा कर आ जाता था, सब चैन से चल रहा था, लेकिन हरी से किया ना हेत, वो जो तुझे एक समय मिला था भगवान से नेह लगाने का, मेरे पास आकर थोड़ी देर उस हरि चर्चा में डूबने का, उस हरि के संकीर्तन के अमृत का रसपान करने का, वो तुझे रास नहीं आया। रास भगवान ने तो तेरे लिए कितना अच्छा किया था, और तू क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है कि भगवान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया? नहीं, सब कुछ बर्बाद तेरी हवस ने किया, तेरी अतृप्त कामनाओं ने किया, तेरे अहंकार ने किया, और चिड़िया चुग गई खेत। और खेत क्या, खेत माने तेरा शरीर, खेत शब्द क्षेत्र शब्द से आया है, क्षेत्र का बिगड़ा हुआ रूप है खेत। अब ये जो हमारा शरीर है ये हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर रहकर ही हम अपनी सारी साधनाएं करते हैं। अब इस क्षेत्र को चिड़िया चुग गई, चिड़िया माने कौन, यमराज काल विधाता, चुग गया उनके शरीर को, सदमा लगा, बैठे अब घर पर, सिर्फ बिस्तर पकड़ लिया है, अब वो ऐसा बिस्तर पकड़ा है कि अब उठ नहीं सकते। और मज़े की बात देखिए, मैंने उनसे कहा जब बिस्तर आपने पकड़ ही लिया है तो बिस्तर पर पड़े पड़े नेह लगा लीजिए उससे,
वो कहते उससे नहीं लगा लो, उससे जिसने मुझे बर्बाद करके छोड़ दिया। अब यहां एक बात गहरी समझने वाली कि उनकी प्रीति उनका नेह सिर्फ धन दौलत से था, पैसे थे, वे चाहते थे इतने अमीर बन जाएं, इतने अमीर बन जाएं कि सारा समाज उनके आगे पीछे डोलता रहे, भागता रहे, उनके आगे सिर झुकाता रहे। सारी आसक्ति, सारी प्रीति तो उनकी पैसे से थी ना, परमात्मा से तो थी ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और इसलिए पर पैसे के पीछे वो भागे, परमात्मा के पीछे नहीं भागे। और यही कबीर साहब कह रहे हैं कि सारा संसार जो नेह लगाता है, जो प्रेम लगाता है, जो प्रीति लगाता है, पैसे से लगाता है, परमात्मा से थोड़ी ना। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि धन नहीं मिला, धन खो गया, इसके लिए व्यक्ति घड़ों आंसू बहाता है, खूब रोता है। वे कहते थे मैंने देखा है दुनिया में घड़ों आंसू बहाते लोग देखे हैं कि हाय पैसा चला गया, नहीं मिला, रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। लेकिन परमात्मा नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं इसको चाहते हुए मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा, किसी के दो बूंद आंसू टपकते हुए इस बात के लिए नहीं देखे कि मुझे परमात्मा नहीं मिला, धन नहीं मिला, इसके लिए तो घड़ों आंसू बहाते हैं। और वो यही हो रहा है, आछे दिन पाछे गए, यही तो अच्छे दिन है कि तुम स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, भगवान ने सब कुछ दे दिया। ऐसे ऐसे मैंने न जाने कितने लोग देखे मेरे संपर्क में हैं जिनको भगवान ने इतना दे दिया, इतना दे दिया, इतना दे दिया कि उनसे संभलता ही नहीं। सोच रहे हैं आप, संभलता ही नहीं। लेकिन फिर भी जो नेह है वह कहाँ लगा हुआ है? विषय वासनाओं में, धन में। धन पर्याप्त है, इतना है कि खर्च नहीं सकते, खर्चा नहीं जा सकता, फिर भी और कमाना है तो नेह वहां लगा दिया। अब यमराज एक दिन आएगा, यमराज कौन है? चिड़िया। चिड़िया चुग गई खेत, और वो जो आपका ये शरीर है इसको दाना समझ के चुग कर चला जाएगा। और जब वो चुगने आ रहा होगा तब ये खेत यानी ये शरीर तब डरता है, तब सोचता है कि मैंने किया क्या। अनेक मेरे संपर्क में लोग हैं जो इस समय ऐसी स्थिति में हैं, वे कहते हैं कि हमने अपने जवानी में, अपने वक्त में बेहिसाब दौलत कमाई, बेहिसाब दौलत, आज पड़ी है दौलत लेकिन हम उसे भोग नहीं सकते। बच्चे वे पास नहीं है, सब छोड़ छोड़ कर चले गए, परदेशों में बसे हैं, हम यहाँ अकेले बैठे हैं। ये पैसा है किस काम का? ना मीठा खा सकते, ना नमक खा सकते, ना तेल घी पी सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या करें इस पैसे का, क्या करें? चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब कि आछे दिन पाछे गए, तेरे अच्छे दिन ऐसा ना हो बीत जाएं। अब अच्छे दिन का मतलब ये नहीं कि तेरे पास बहुत पैसा हो, कि तुम्हारा शरीर ठीक ठाक है, स्वस्थ है और मन लगाकर परमात्मा का सुमिरन कर सकता है, उससे प्रीत लगा सकता है, अपनी आत्मा का विकास कर सकता है, अपनी आगे की अनंत जन्मों की यात्राओं के लिए बहुत सारे पुण्यों को अर्जित कर सकता है। लेकिन वो तो तब करे ना जब परमात्मा से प्रीत हो, वो तो तब होगा। प्रीति तो है, यही तो माया है, और इसी माया से बचाने के लिए कबीर साहब बार बार चेता रहे, बार बार चेता रहे, इतनी बार चेता रहे हैं, इतनी बार, और सदा चेता ही रहे हैं। लेकिन आदमी कहाँ चेत रहा है? अब इतना सुनने के बाद भी सब भूल भाल जाएंगे, लोग सब भूल जाएंगे, वे शुक्राने में नहीं जाएंगे इस बात का। अब वो जो व्यक्ति जो बिस्तर लगा के पड़े हैं वो शुक्राना नहीं मना रहे परमात्मा का कि तेरा कितना शुक्राना था, तूने कितना दिया था, मैंने खुद बर्बाद कर दिया, ये नहीं कह रहे कि मैंने बर्बाद कर दिया अपना खुद। अभी भी दोष परमात्मा पर मढ़ रहे हैं कि तूने बर्बाद कर दिया। बिस्तर पर लगे लगे ही शुक्राना कर दो, शायद वो सुन ले तुम्हारे शुक्राने से, शायद यही शुक्राना कर दो कि तूने मुझे अच्छा संग बख्शा। मैं चला जाता था इनके पास, दो घड़ी बैठ जाता था, तूने तो बड़ी कृपा की, तूने उनके माध्यम से मुझे समझाया भी बहुत,
और मुझे अच्छा स्वास्थ्य भी दिया था, तभी तो थोड़ा सा इतराया था मनुष्य, अच्छा स्वास्थ्य दिया था कि चलो एक फैक्ट्री खोल लूँ, प्लॉट काट लूँ और कॉलोनी बसा लूँ, क्योंकि सब ठीक ठाक था, अच्छे दिन, लेकिन सब पाछे गए। इतना समझ लीजिए, इतना समझ लीजिए कि परमात्मा ने जो दे दिया है ना, उसके उस दिए का शुक्राना करना है, ये शुक्राना करना है, और उसको शुक्राना करना ही उसके प्रति नहीं लगाएगा। ऐसे प्रीति नहीं लगेगी, भगवान से प्रीति तब लगेगी जब उसके द्वारा दिए गए अनंत उपकारों का हम धन्यवाद देंगे, अनंत उपकार। और पहला उपकार तो यही कि उसने जन्म दिया, अगर जन्म ही ना दिया होता तो ये दुनिया का रंगरेला हम क्या देख रहे होते, बताइए। इतने स्वादिष्ट पकवान हैं, उनका रसा स्वादन कर रहे हैं, इतने रंग बिरंगे वस्त्र हैं उन्हें धारण कर रहे हैं, इतने सिनेमा इत्यादि हैं उनको देख रहे हैं, मनोरंजन के और कितने साधन हैं उनका मज़ा ले रहे हैं, ये रंग बिरंगी दुनिया उसने कितने मज़े लेने के लिए दी, ये धन्यवाद क्या कम है कि तुम्हें एक ऐसा शरीर रूपी एक उपकरण दे दिया, ऐसा एक टूल दे दिया, ऐसी एक डिवाइस दे दी जिस डिवाइस से तुम सब कुछ देख पा रहे हो, अनुभव कर रहे हो, मज़ा ले रहे हो, तो यही धन्यवाद समाप्त नहीं होता। तो उसके प्रति शुक्राने से, अहोभाव से भरने का सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके द्वारा दिए गए अनंत उपकारों के प्रति हम उसके सम्मुख निरंतर नतमस्तक होते रहें, निरंतर। यही करके उसके चरणों से प्रीत लग जाएगी, नहीं लग जाएगा, और तब ये जो चिड़िया है ये आपका खेत चुग कर नहीं ले जाएगी, आप शान से जाएंगे, शान से संतुष्ट तृप्त होकर। आछे दिन पा छे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत।